आया राखी का त्योहार, झूम उठा सारा संसार। बहनों ने बांधी है राखी भाइयों की कलाई पर, भाइयों ने दिया बहनों को ढेर सारा प्यार। आया राखी का त्योहार, झूम उठा सारा संसार। नमस्कार, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है प्यार की इस डोर में हर भाई बहन का प्यार यूं ही बंधा रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप जानेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड से आप किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस समय फल उद्यान में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाने चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। दलहनी फसलों का रकबा बढ़ा, किसानों को 5000 सोलर पंप बांटे जाएंगे, सोयाबीन में जल निकास का करे प्रबंध, अरहर का अंगमारी रोग से बचाव, सब्जियों के रस चूसे कीटों का नियंत्रण। प्रदेश में इस साल अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की स्थिति बेहतर है। इस वर्ष किसानों का रुझान दलहनी फसलों के प्रति बढ़ा है। अभी तक प्रदेश भर में 18,56,000 हेक्टेयर में दलहनी फसलों की बुआई की गई है, जो पिछले साल की बुआई 15,11,000 हेक्टेयर से अधिक है। सबसे अधिक किसानों ने 10,00,000 हेक्टेयर में उड़द बोया है। अरहर की बुआई 6.5 लाख हेक्टेयर एवं मूंग 2 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक प्रदेश में 119,00,000 हेक्टेयर में खरीफ बोनी की गई है, जो पिछले साल की अपेक्षा 4,00,000 हेक्टेयर अधिक है। इसमें सबसे अधिक 53,61,000 हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। राज्य सरकार ने सोलर पंप योजना की सब्सिडी 40,000 रुपए और बढ़ा दी है। 3 हॉर्स पावर तक के पंप पर नवीन एवं नवीकरणीय विभाग की ओर से 80% सब्सिडी प्रस्तावित की गई थी। मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर 90% कर दिया है। यानी अब 3 HP के पंप को लगाने पर होने वाले कुल खर्च 4,00,000 रुपए में से 3,60,000 रुपए अनुदान होगा। किसान को सिर्फ एक मुश्त 40,000 रुपए देने होंगे। इसी तरह 5 HP के पंप पर 85% अनुदान रखा गया है। फूल आने की अवस्था में कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पर पत्ती धब्बा नामक बीमारी आने की संभावना है। लक्षण दिखने पर कार्बन डाजिम 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर या डाइथेन M45 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर का 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक बीमारी के फैलाव को रोकने हेतु ग्रसित पौधे दिखने पर उन्हें तुरंत उखाड़कर नष्ट करें। अधिक वर्षा होने एवं खेत में अधिक समय तक पानी जमा रहने के कारण सोयाबीन के खेतों में गर्दनी सड़न का प्रकोप होता है। खेतों से अतिरिक्त पानी के निकासी की व्यवस्था करें। अरहर में अंगमारी रोग के प्रभाव से पौधों के सतह पर आते ही नई पौध ग्रसित हो जाती हैं। जो पौधे 1 माह से अधिक पुराने होते हैं, उनकी पत्तियों पर इस रोग का असर धब्बों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ समय बाद पौधा सूख जाता है। रोग से बचाव हेतु खड़ी फसल में 25 से 30 दिन की फसल पर मेनकोजेब 75, WP 3 ग्राम या 3 मिलीलीटर, जायरम 27 SC प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। खेतों में साफ सफाई रखें व रोग के लक्षण दिखाई देने पर पौधे को उखाड़कर जला दें या भूमि में गाड़ देना चाहिए। सब्जियों में माहू एवं अन्य रस चूसे कीटों के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उसके शिकारी कीट को पहचान कर उनको कीटनाशकों से बचाना चाहिए, जिससे प्राकृतिक रूप से अपने शिकारी कीट एवं परजीवियों द्वारा नष्ट हो सकें। माहू के शिकारी कीट जैसे लेडीबर्ड, बिटल, कॉक्सीनेला, सेप्टम इत्यादि हैं। क्रायसोपा, जिसे एफिड लॉयन भी कहते हैं, यह कीट माहू का भक्षण करते हैं तथा काफ़ी संख्या में माहू का नियंत्रण करते हैं। डायटेरेला रेपी कीट जीव माहू के भीतर घुसकर माहू को खाता है, जिसके कारण माहू के केवल सुनहरे खोल रह जाते हैं। अतः किसान भाइयों को इन कीटों की पहचान करके उन्हें कीटनाशी दवाओं के हानिकारक प्रभाव से बचाना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण में फसल पर एसीफेट 75, WP 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर या डाइजिनॉन 20 EC 1200 लीटर प्रति हेक्टेयर 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतर से 2 से 4 बार आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। किसान भाई, अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आइए
सबसे पहले देखते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। आष्टा में न्यूनतम 1541 रुपए, अधिकतम 1900 रुपए। राजनगर में न्यूनतम 1550, अधिकतम 1620 रुपए। उदयपुरा में न्यूनतम 1600 रुपए, अधिकतम 1640 रुपए। शाजापुर में न्यूनतम 1695, अधिकतम 1792 रुपए। आइए अब देखते हैं सरसों के भाव। बीना में न्यूनतम 3050 रुपए, अधिकतम 4100 रुपए। सतना में न्यूनतम 3800 रुपए, अधिकतम 4156 रुपए। श्योपुर कला में न्यूनतम 4200 रुपए, अधिकतम 4367 रुपए। नीमच में न्यूनतम 4110 रुपए, अधिकतम 4385 रुपए। आइए अब देखते हैं सोयाबीन के भाव। गुना में न्यूनतम 3080 रुपए, अधिकतम 3580 रुपए। खातेगांव में न्यूनतम 2800 रुपए, अधिकतम 3500 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 2800 रुपए, अधिकतम 3680 रुपए। काला पीपल में न्यूनतम 3000 रुपए, वही अधिकतम 3580 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, परंपरागत खेती के साथ साथ यदि आप उद्यानिकी फसलों के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय फलों में, फल उद्यानों में कौन कौन से सामायिक कार्य किए जाने चाहिए, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SA अली। तो सबसे पहले उद्यान में जो आजकल कार्य हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमारी बारिश अधिक हो रही है, उसकी वजह से हमें जल निकास की व्यवस्था रखना है। दूसरे, अभी ये जो सीज़न चल रहा है बारिश का, इसमें सबसे अच्छा उपरोपण का कार्य कर सकते हैं, कटिंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे हम नींबू में, अमरूद में गुटी वाला काम कर सकते हैं। और अभी जो हमारे पास फल हैं, नींबू है, आम है, इनकी तुड़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी आप आंवले में, बेर में बडिंग का कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो मौसम चल रहा है उसमें हम अपने नए फलदार वृक्षों को पुराने फलदार वृक्षों में पोषण कार्य कर सकते हैं।
पोषण के रूप में जैसे हम गोबर का खाद दे सकते हैं, नत्रजन, स्फुर, पोटाश की मात्रा दी जा सकती है। तो ये ध्यान रखें किसान भाई, अभी जैसे बारिश का मौसम है तो हमें जो पुराने फलदार पौधे हमारे बगीचों में लगे हुए हैं उनको थाला बना कर दें। थाले का ये ध्यान रखें कि जैसे 12 बजे की जो धूप है उसकी छाया जहाँ तक पड़ती है 12 बजे की धूप में, तो उस छाया वाले स्थान में कम से कम आधा फुट गहराई पर एक थाला बना लें जो तने से बहुत दूर होता है, जो छाया है उस स्थान पर, और उसमें जो फलदार वृक्ष है, मान लें कम से कम एक आम का वृक्ष है 10 साल का या 15 साल का या 20 साल का, उसमें कम से कम 40 से 50 किलो मात्रा गोबर का खाद दें या 20 से 25 किलो अपना वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा नत्रजन को दो भागों में विभक्त करके दें, एक अभी दे सकते हैं, इसके बाद स्फुर और पोटाश की मात्रा कम से कम 300 से 400 ग्राम स्फुर दे सकते हैं, 200 से 400 ग्राम पोटाश दे सकते हैं, मगर इसकी मात्रा एक साथ दें, और नत्रजन की जो मात्रा है वो कम से कम दो बार दें, एक अभी दें और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में दें। और ये ध्यान रखें कि जब भी आप ये खाद और उर्वरक की मात्रा अपने पौधों में देते हैं उस वक्त उसमें नमी होना ज़रूरी है, अगर नमी नहीं है तो उसमें पानी से उसकी सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जैसे आपके पास नींबू हैं, अमरूद हैं, उनके नए पौधे, या जैसे आपके पास उन्नत जाति के नींबू है, कागजी नींबू है, तो आप उसके कई पौधे बना सकते हैं गूटी के द्वारा। अमरूद की उन्नत जाति अगर आपके पास हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें भी गूटी के द्वारा नए पौधे बना सकते हैं, और गूटी से जो तैयार पौधे हैं वो जल्दी से जल्दी फलन देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने अब जिनके पौधे नए लगाए हुए ख़त्म हो चुके हैं या मर गए हैं उनकी गैप फिलिंग भी कर सकते हैं, और जिन किसान भाइयों को कुछ पौधे लगाए नहीं गए हैं तो वो अपना एक रूपरेखा बनाकर लेआउट करके एक नया फलोद्यान या अपना बगीचा तैयार कर सकते हैं। और एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है, जैसे आपके सिट्रस में जैसे नींबू में, आपके संतरे में, मौसम्बी में जो पौधे की शाखाएं कभी कभी सूख जाती हैं, कभी कभी एक दूसरे से टकराती हैं, उनकी छटाई भी कर सकते हैं, और छटाई करने के उपरांत उसमें कोई भी कॉपर फंगीसाइड का लेप लगा दें। इसके अलावा अभी जो सीज़न चल रहा है हमारा कटिंग का भी, जैसे अनार है, इसको हम कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। शोभायमान जैसे हमारे पास कई तरह की झाड़ियां होती हैं हमारे बगीचों में, उन झाड़ियों को जैसे हमारी बोगनवेलिया है, गुड़हल है, चांदनी है, चमेली है, इनको अपन इनकी कटिंग बना के, गुलाब है, इनकी कटिंग बनाकर अपन नर्सरी में लगा सकते हैं और नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमारा अगर हमारे पास देसी बेर है जिसमें छोटे फल खट्टे फल आते हैं, तो उनको हम अच्छी वैरायटी जो उमरान है, गोला है, कड़ाका है, इन उन्नत जातियों में भी तब्दील कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं, तो उसका बदलने का कार्य अपने को अभी कर सकते हैं अपन। उसके लिए सब अपने को बडिंग, जिसको कलिकाइन बोलते हैं, उसका अच्छा सीज़न है, और उसमें जैसे हमारे देसी बेर है उसकी छटाई करने के उपरांत उसकी कट लगाते हैं, उसमें टी बडिंग, आई बडिंग, टी बडिंग के द्वारा हम जैसे ही हम चाहते हैं कि हमें बनारसी कड़का बेर मिले या हमारे हमको बनारसी गोला बेर मिले, तो उसकी सियान लाके, उसकी कली का लाके हम देसी बेर जिसमें हमें खट्टे बेर, छोटे बेर मिल रहे हैं उसमें लगा देते हैं, और उसके बाद उसको टाइट कर देते हैं पॉलीथीन शीट से, और कम से कम एक महीने बाद हमें उस जो हमने बडक किया था, कलिकाइन किया था, उसमें नई कोंपल वाली शाख बनना शुरू हो जाती है। अगर वो शाख अपन आगे बढ़ाते चलेंगे तो हमारे पास जो हमने वैरायटी या किस्म चाहिए है ऊँची अच्छी वाली बड़ी वाली बनारसी कड़का या बनारसी गोला, वो हम अपने खेत में, अपने बगीचे में तैयार कर सकते हैं। इसी तरह जिन किसान भाइयों के पास देसी आंवले हैं, जो छोटे आंवले पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे होते हैं मगर वो काम नहीं आते, गिर जाते हैं, तो उनको उन्नत जाति में बदलने के लिए बहुत अच्छी जातियाँ हैं, जैसे नरेन आंवला 7 है, कंचन है, कृष्णा है, उसमें उसको तब्दील किया जा सकता है। उसके लिए भी अपने को इसमें टी बडिंग, आई बडिंग का उपयोग करते हैं, वो भी अपन जैसे हमारे देसी जो
पेड़ हैं जिनसे छोटे आंवले आ रहे हैं उनको छटाई कर दें, कटाई कर दें, और एक शाख को मैं आई बडिंग नाइफ से आई निशान लगाकर उसमें हम जैसे उन्नत जाति है नरेंद्र आंवला साथ की उसको ये कली का लाने के बाद उसमें इंसर्ट कर देते हैं और उसको पॉलीथीन शीट से बांध दिया जाता है और कम से कम 3 से 4 हफ्ते में जो हमारी कली का है वो हरी होती होकर उसमें से नया प्रांकुर निकल जाता है और वो कुछ समय बाद नए उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह हम अपने पुराने बगीचों में नए बगीचों में नई वैरायटियों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरह आम की में भी हम कई तरह की ग्राफ्टिंग करके उन्नत जातियों में अपने फलदार वृक्षों को बदल सकते हैं। जैसे हमारे काफ़ी पुराने बगीचे हो जाते हैं आमों के, उनमें फलन नहीं मिलता, तो उसको भी इस मौसम में उपरोपण विधि द्वारा नए बगीचे का निर्माण कर सकते हैं, नए फल वृक्ष को बना सकते हैं। जैसे हमारे आम में सभी लोग अपनी अपनी पसंद से, जैसे दशहरी पसंद करता है कोई, लंगड़ा पसंद करता है कोई, चौसा पसंद करता है, उस जाति को बदल, देशी जाति से उस जाति को अपन बदल सकते हैं और अपन अच्छे से अच्छे आर्थिक लाभ किसान भाई कमा सकते हैं और अपने पुराने बगीचे को नए बगीचे का लुत्फ ले सकते हैं और अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप, किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की, गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कृषि को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड क्या है और इसको अपनाकर आप किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस विषय में। हमें इस विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर अशोक वर्मा। आज मैं बात करूँगा किसान क्रेडिट कार्ड की। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। किसान क्रेडिट कार्ड एक किसान को फसल दिए जाने की एक सुविधा के लिए ऋण की एक सुविधा है, है ना, जो कि किसान भाई किसी भी, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें या तो राष्ट्रीयकृत बैंक के अलावा हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करें या हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें, तो किसी भी बैंक से जाके अगर मान लो किसान क्रेडिट कार्ड किसी भी किसान भाइयों को बनाना है। मैंने देखा है कि अपने मध्य प्रदेश में बहुत से किसान ऐसे हैं जो जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है और जो किसान भाई इस चीज़ का, जो किसान क्रेडिट कार्ड में 0% का जो लाभ है मध्य प्रदेश शासन जो दे रही है, 0% में कोऑपरेटिव बैंक से जो इसका लाभ दे रही है, वो किसान भाई, कई किसान भाई इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जैसे किसान भाई, किसी भी किसान के भाई के पास अगर मान लो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके जो खसरा बीवन की जो नकल है वो अगर मान लो उसके पास उपलब्ध है तो वो जाके किसी भी जिला सहकारी बैंक में चले जाए या राष्ट्रीयकृत बैंक में चले जाए, वहाँ जाके उसको बताए कि मेरे पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं बनवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिंपल सी प्रोसीजर है, उसके ज़मीन के कागज़
लेके उसमें वेरिफिकेशन होता है, 2-3 बैंकों से NOC मंगाई जाती है कि आपके किसी दूसरे बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। अगर किसी के दूसरे बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम उसे उसके जो स्केल ऑफ फाइनेंस की हम बात करें, जो ऋणमान होता है जिले के हिसाब से, उसको इसकी एक NCL जो है वो निर्धारित की जाती है। वो NCL वो बैंक में या सोसाइटी में NCL बना के ज़िले पे भेजता है, तो उसको वेरीफाई किया जाता है कि वो किसान की NCL जो है वो उसके रकबे के अनुसार, किसी दूसरे बैंक से उसने ऋण तो नहीं लिया है या नहीं लिया है, तो उसकी NCL अप्रूव हो जाती है। इस NCL में हम सरकारी बैंक की बात करें या जिला सहकारी बैंक की बात करें मध्य प्रदेश में, उसको 2 प्रकार से ऋण मिलता है, एक तो नगद और एक वस्तु। नगद की हम बात करें तो किसान भाई की जो सीमा उसकी निर्धारित की जाती है, खरीफ और रबी की दोनों फसलों की एक सीमा निर्धारित की जाती है, उस सीमा तक उसको 70% उसको रबी में लिया जाता है और 70% उसकी नगद में लिया जाता है और 30% उसको वस्तु की हम बात करें, जैसे किसान भाई सोसाइटियों से खाद लेते हैं या बीज लेते हैं, तो ये चीज़ उस वस्तु में आती है। और किसान क्रेडिट कार्ड के और भी लाभ हैं कि इसमें किसान क्रेडिट कार्ड, अगर मान लो किसी किसान भाई का किसान क्रेडिट कार्ड है तो इस स्थिति में उसका पर्सनल उसका बीमा भी हो जाता है। अगर किसी कारणवश किसान भाई का या नेचुरल किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कम से कम 50,000 का उसमें बीमा का प्रावधान है, पर्सनल इंश्योरेंस उसका किसान क्रेडिट कार्ड में होता है। और किसान क्रेडिट कार्ड में हम एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि इसमें जो लिमिट सेंक्शन होती है वो खरीफ की स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से, जो ऋणमान के हिसाब से और रबी के जो ऋणमान के हिसाब से, दोनों को मिला के एक सीमा बना दी जाती है। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई अगर मान लो इस किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं ले पा रहे हैं हमारे ये मध्य प्रदेश शासन की हम बात करें तो जिला सहकारी बैंक की बात करें या ज़िले में कोई भी सहकारी बैंक हो, उससे अगर मान लो किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं या ऋण लेते हैं खेती के लिए, फसलों का ऋण लेते हैं, तो उसमें उसको 0% पे उसको ब्याज, मतलब 0% ब्याज पे उसको ऋण मिल जाता है। उसके लिए सिर्फ शर्त ये होगी कि अगर मान लो किसान ने जैसे खरीफ में लोन लिया है तो उसको 31 मार्च के पहले उसको ऋण चुकाना है, और रबी में लोन लिया है उसने रबी के लोन लिया तो उसको 15 जून या 30 जून के पहले उसको ऋण चुकाना होगा। अगर वो समय से ऋण चुका देता है तो उसको 0% का जो फ़ायदा है राज्य शासन का वो मिल जाएगा। अगर वो नहीं चुका पाता है तो इसके बाद ये जो अवधि है खरीफ की, जैसे अवधि 31 मार्च की बात करें या रबी की अवधि बात करें कि 30 जून की, तो इसके बाद उसको फिर पेनल्टी चार्ज देना पड़ता है। तो इसीलिए जो किसान भाइयों को मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जैसे हम कुछ किसान भाइयों की बात करें, जैसे कुछ किसान भाई डिफ़ॉल्टर हो गए हैं तो इसके लिए वो डिफ़ॉल्ट का जो पैसा उसको ऋण का करके वो जमा करा के नया ऋण ले सकते हैं। ठीक है, शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे, अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी, ना हो परेशान क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। जाते जाते यदि आपकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ ऐसे परेशानियां हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 4620013।
किसान भाइयों, इसी के साथ साथ यदि आप हमें ईमेल लिखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।